रहे भगवान पाप के आगे। यो धर्म बिचारा डरे क्या क्यों, अरे और चीज ते इतनी चढ़ गई, मनुष्य कर्म ते गिर गया क्यों। हे भगवान पाप के आगे, धर्म बिचारा डर गया क्यों, अरे और चीज ते इतनी चढ़ गई, मनुष्य कर्म ते गिर गया क्यों। हे भगवान पाप के आगे, डर गया क्यों, और चीज सब इतनी चढ़गी, मनुष्य कर्म ते गिर गया क्यों। पहली बात मैं बताया, हमारे बड़े बुजुर्ग नु कया करे नुकिया तीन चार चीज है जो पूरी उम्र से देंगी दुख देंगी। कौन कौन सी? छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली, अरे राम रही मर की चेली, सारी उम्र से देंगी। हमारी माता बहन जाओ बाबा गन संकट कटवाने को, बाबा संकट काटिए, बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मार रहे तारे कितना संकट काटेंगे। ये मेरे गुरुजी अमित जी चौधरी बड़े घुमंतु स्वभाव के, मतलब घूमते रहते हैं। मैं इनकी सेवा पानी से कर दिया करूँ तो मन भी साथ ले जाऊँ जड़े भी घूमण जा। एक दिन हम घूमने उड़े चले गए गंगा जी नान हरिद्वार। अब हरिद्वार पहुंचे थे, एक बाबा जी बैठा लाल लत्ते लंबी लंबी डाडी, और बैठा बैठा रो रहा, बहुत बुंडी डाल रो रहा, आंसू आ रहे, पूरी हुई हूँ मचा रखी पूरे घाट पे। अब मैं बोलिया गुरु जी, तो मैं कहा बाबा क्यों रो है, वो बोले पूछ का। मैं गया जाके नुपेरा में धोखा या शुरुआत की शादी था रो है, और बत्ती रो मन देख के। मैं बोला बाबा क्या हो गया, बोला बालक याद आओ है। मैं बोला बालक याद आओ, बोले कितने बालक है। मैं बोला सात। मगर सात बालक, भाई वाह बाबा, फिर तू बाबा क्यों बना मौज कर रहा है। बोला मैं बोला बाबा बने कितने दिन हो गए, बोले सात ही दिन हुए हैं, फिर भी बालक इसे इसे बाबा जी बन रहे हैं। पहली कली में बताया जो समाज के ठेकेदार बने बैठे उनके बारे में कवि ने क्या लिखा, क्यों करे कैसे। नेम धर्म मर्याद छोड़ के, नेम धर्म मर्याद छोड़ के, कौन दिशा इंसान चला। बाबा जी का बाबा जी का चोला पहरा बन के ने शैतान चला। घर की खांड, अरे घर की खांड की रकरी लागे, चोरी का गुड़ खाने चला। मात पिता मात पिता तो घर में बैठे, बेटा गंगा नहाने चला। मात पिता तो घर में बैठे, बेटा गंगा नहाने चला। लाकड़ तिरते देखे थे मन, लाकड़ तिरते देखे थे यो लोहा जल मंदिर का क्यों। हमारे आदरणीय पुलिस में है महिपाल चौधरी जी, 500 रुपए से अभी न्यून मत जाओ। एक बात इन देख कर मेरे याद आ गई, बुरा तो नहीं मानोगे। पुलिस का ना सुने? हाँ पुलिस का सुनाऊंगा। वो एक बार एक चोर पुलिस वाला ने पकड़ लिया। अब पकड़ के उसने हवलदार कौन सुल्ली सुल्ली पकड़ लिया, चोर पुलिस वाला ने पकड़ लिया। वो हवलदार थानेदार साहब धोरे ले आया, साहब इसने रामजा दिन चोरी करी है। बोले अच्छा चोरी करी, इसने तले बैठाओ। तले बैठा लिया, कुर्सी पर दरोगा जी बैठ गया। बोला भाई जितने भी पेंडिंग केस पड़े हैं सारी फाइल ले का। वो ले का आया, बोले ना पढ़कर सुना। एक बोलिया जी एक की गाड़ी चोरी हो रही है, बोले लिख दो इसके। बोलिया जी एक जी मोटरसाइकिल ठा रखी है, बोले लिख दो इसके। बोले एक बैंक में भी लूट रखी, रवि शर्मा HDFC ओडे भी कर रखे कुछ गड़बड़, बोले लिख दो इसके। अब इतनी देर में वो जो थाने में लैंडलाइन फोन नहीं होता, ट्रिन ट्रिन नू बजो नू धरा रहे हैंडल सा, उस पर फोन आ गया। हवलदार गया जाकर ठाया तो उस पर थानेदार नहीं थी। वह बोली कि हवलदार साहब अपने सावधनियों कह दी, उनका छोरा होया है। हवलदार राजी हो गया, भाई छोरा होया है, शाम ने पार्टी फूर्टी करेगा तो रोगा, बड़ी खुशी की बात है। बाजा आया आके बोलिया साहब साहब आपका छोरा होया है, वो चोर तले पड़ा पड़ा सुना था। बोले यो भी मेरा ही लिख दो। तो जा है ये हमारे गुरु जी हैं अमित जी चौधरी, इनके दोस्त हैं आदरणीय रवि शर्मा जी, HDFC बैंक के मैनेजर हैं। गुरु जी एक मैनेजर आप भी सुना दूँ
क्यों खराब करे। वो एक बार एक मैनेजर की जंगल में गाड़ी खराब होगी। अब अंधेरी रात थी, शाम होगी, उसने कुछ सिस्टम नहीं दिखा। अब के काम करया, जंगल में चाल पड़ा पैदल पैदल, सोचा मिस्त्री भी मिले नहीं, एक मकान सा दिख गया उसने अंधेरे में, दूर लाइट चसरी। मैनेजर ने सोचा हो गया काम, ओडे गया, दरवाजा खटखटाया, एक ही घर पूरे जंगल में एक दरवाजा खटखटाया तो एक लुगाई सी बाहर निकली। मैनेजर बोलिया, साहब मैं न्यू बैंक का मैनेजर हूँ, मेरी गाड़ी खराब होगी, मैंने ठहरना था। वह बोली, जी मैं फौजन हूँ, मेरा पति फौज में है, मैं नहीं डांट सकती न्यू। वो बोलिया, तू टेंशन ना माना, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। बोले अच्छा ठीक है, अब सो गए। अब सो गए तो बोलिया, जी वह लुगाई बोली नू खाट भी है कि, बोल तू टेंशन मतलब मैनेजर हूँ, वे सो गा। अब सुबह उठ गए, अब उसका मिस्त्री आन में थोड़ा लेट हो गया। वो फौजन बोली, चलो अपना अपना मुर्गी फार्म दिखा लियो, हमने साइड बिजनेस मुर्गी फार्म और कर रखा है। वो मैनेजर ने घुमाण लेगी मुर्गी फार्म में 20 मुर्गे और 10 मुर्गी। अब उसने मैनेजर ने पूछी, नुक जी ये तो सिस्टम गलत है, 20 मुर्गे 10 मुर्गी। वो लुगाई बोली, इनमें काम के 10 ही मुर्गे हैं। बोले बाकी 10? बोले बाकी 10 बैंक मैनेजर है। दूसरी कली में बताया, रागनी पे आ जाता हूँ, दूसरी कली में न्यू बताया कि जो समाज के ठेकेदार बने बैठे उनके बारे में कवि ने न्यू लिखी, नेता ने तुम देखोगे ये बड़े बुजुर्ग न्यू कहे न्यू कि 3-4 चीज कदे भी काम नहीं आऊंगी, कौन कौन सी? आराम की कमाई, बाजी और लुगाई, पुलिस और सिपाही, नेता, किसी का काम नहीं आऊ, कोई अजमा लो। नेता ने तुम देखोगे वोट पड़न तो पहले और ढाल का मुंह पाओगा बेचारा, हर पड़ते और ढाल का हो जाएगा। पहला तो जब गांव में वोट मांगना होगा कोई मिल जाओ, सीधी पैर हम दून का राम राम चचा राम राम तेरा बालक सा ध्यान रखे रे, पर जीत जाओ फिर आगे गाड़ी पीछा गाड़ी आगे कमांडो पीछा कमांडो, बीच में धोला कुर्ता पजामा चोड़े हाथ में न्यू चालता होगा, जब 2 दिन हो गए धार का डेसीदा चपाट में ले बैंक मैनेजर ने भिजवाया भाई। हाँ अरे फिर बैंक मैनेजर, अच्छा मैनेजर साहब ने 500 रुपये दिए, एक बार ताली बजा दो। जीत तो न्यू चोड़े होगा चलेंगे, फिर तुमने कोई काम पड़ जाओ तो मिलन जाओगे, आगे संतरी खड़ा पाओगा उस तो बतानी पड़ेगी, जी फलाने फलाने गांव तो बाबूजी न्यू न्यू आ रहे हैं। आंखें हम सोई फिर जाएगी, पिछाने को ना फिर उसने बताओ कि मुंडनवाड़ा गांव में 1,00,000 रुपए की माला गाली थी, फिर आ डाथला होगा नहीं कोई जान पिछाण नहीं। दूसरी कली में इनके बारे में क्या लिखा, क्यों करे जोड़ के, हाथ जोड़ के कहूं प्रभु जी मेरी बात ना ओली से, और जीव बंधे मर्यादा में मानव के ना डोली से, पाप और पुण्य समझे फिर क्यों सहम गाल रहा कोड़ी से, 70 दाग लगे काया में तेरी फिर भी चादर थोड़ी से, 70 दाग घूट मार फिर रहने घर में, 2 घूट मार फिर रहने घर में, अरे ऊपे नंगा फिर क्या क्यों कली में बताया कि पहले जमाने में कुछ और था, आज के में कुछ और। गुरुजी एक रागनी गाते कि ना पहले आली हवा रही, ना पहले आला पानी होगी, खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, पहले का समय और था, पढ़ा लिखा जमाना हो गया, सिस्टम बदल गया नहीं। पहले के टाइम पे ईशा सिस्टम था, वो एक ताई बिचारी भागी जा रोड पे, अब जो किलोमीटर वाला पत्थर था ताई ने कदे देखा नहीं, जिस पर नू नहीं लिखी रहती हुई बह रोडी तिंदूर मुंडावरी तिंदूर, ताई ने कदे नहीं देखे, मंदिर में जा रही थी, अब रास्ते में किलोमीटर वाला पत्थर दिख गया, हील चढ़ा दी, पताशे चढ़ा दिए, नारियल फोड़ दिया, टीका काट दिया, हर मोदी होगी नु गो बाबा तू ही सुना गो मेरी तो। मैं गया मगर ताई के करे, बोले बेटा हाथ जोड़ ले वो बाबा है, मगर ताई बाबो को ना पत्थर से, बोले आप पढ़ के बता के लिख रखी, मगर ताई अपन न्यू लिख रखी से, अगर मुंडावर 10 किलोमीटर नुक देख ले है ना बाबा, उरे बैठा बैठा बता दी मुंडावर कितनी दूर, सो बाबा फेर होगी।
कहने का मतलब बोला जमाना था, लेकिन आज की डेट में पढ़िया लिखा समाज हो गया। अब ये बीच में सरदार जी बैठे हैं, सरदार जी को पगड़ी लगा रखी है, सरदार जी हो। हाँ, वो एक बार एक सरदार कुएं में पड़ गया। अब बाहर अपना कोई बूढ़ा आदमी खेत में जा रहा था चौधरी साहब, अब खेत में जा रहा सरदार जी कुएं में पड़ा पड़ा आवाज लगा रहा, नुक 80 निकालो यार, 80 निकालो यार, 80 कुएं में गिर गया, 80 निकालो यार। अब ताऊ ने झांक के कुएं में देखा, अंधेरा था, दिखा तो कुछ नहीं। सरदार जी फिर बोला, नुक 80 निकालो यार, 80 निकालो यार। ताऊ ने कुबड़ा फेंक के मारा कुएं में, नुक राम ज्यादा एक आधा हो तो काट लिया, 80 काटे जा है। आखिरी कली में निचोड़ कर दिया कवि ने, पूरी बात खोल के दर्दी के दर्शाया कैसे। सीधा रास्ता साफ पड़ा पर बुद्धि बिना चले खुच के, एक अच्छाई एक बुराई मिला आदम दे के माँ फस के, ज्ञान बिना अरे ज्ञान बिना वाह खुले नहीं जो मन पे गांठ लगी कस के, बोए जिसे काटने होंगे रोके काट सए हंस के, बोए जिसे काटने होंगे रोके काट सए हंस के। देवी दत्त कहे अगत की खातर, श्री देवी दत्त कहे अपद की खातर, तन राम बजे बिन सर क्या क्यों, हे भगवान I'm not afraid.